हेलो एवरीवन, दिस इज़ टीचर नौरीन एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ अबाउट नेचर। येस डियर चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड वेरी ब्यूटिफुल एंड वी आर ऑल लिविंग अवर हेयर। सो वेन यू गो आउट ऑफ योर हाउस, as I am out of my house and I'm here in the park, you can see. It looks so beautiful, it feels so beautiful, it feels so soothing to my eyes when I come out of my house and I go for a walk, or I come for a walk here in a park. तो ये है कि आप सब भी ज़रूर अपने घरों से बाहर निकलें, टाइम निकालें फॉर योर फिज़िकल हेल्थ एंड फिटनेस, फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस। आपके घर के करीब कोई भी पार्क हो, आप वहाँ जाएं और वॉक करें, अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें। घरों में बैठ के मोबाइल्स टैब्स यूज़ करें करने के बजाय उनका स्क्रीन टाइम शॉर्ट करें, ठीक है। और हर रोज़ कम से कम आधा घंटा एक घंटा अपने बच्चों के साथ बाहर निकलें। हमारे पास बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे आजकल हम सैर व तफरी के लिए जाते हैं और अपने बच्चों को लेके जाते हैं। एक्सपेंसिव जगह भी हैं जहाँ बच्चे डिफरेंट राइड्स इंजॉय करते हैं, डिफरेंट गेम्स इंजॉय करते हैं, और वो ज़्यादा उस जगह को इंजॉय करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग पार्क्स लाइक दिस। लेकिन जो ब्यूटी इन छोटे पार्क्स में होती है, जो नेचर हम यहाँ इंजॉय करते हैं, वो हम उन मॉल्स के फन लैंड्स में इंजॉय नहीं करते। अब मैं यहाँ पे अक्सर बाहर आती हूँ, वॉक के लिए आती हूँ, तो लाइफ बहुत बिजी होती है, जाहिर सी बात है। आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, आई एम टीचर, फिर आपका घर भी होता है, यू लिव विद योर फैमिली, सो आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई फैमिली एज वेल। तो लेकिन आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू इन्जॉय द नेचर। ये आँखों को बड़ा ठंडक देती है, ग्रीनरी, दरख्तों का सब्ज़ा जो है, और ग्रास, हम घास देखते हैं, तो ये आँखों को बड़ा ठंडक देती हैं। हम सुबह सुबह अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो खूबसूरत सा मौसम होता है और आपको परिंदे जो हैं वो चहचहाते हुए मिलते हैं, और आप देखते हैं कि वो सुबह सुबह अपने रिस्क की तलाश में घरों से बाहर निकले हुए हैं। दरख्तों पे आपको परिंदे नज़र आ रहे होते हैं, आपको घास पे बैठे हुए परिंदे नज़र आ रहे होते हैं, और वो कुछ छोटा छोटा ज़रा ज़रा ढूंढ रहे होते हैं खाने के लिए। तो ये सब देख के और अल्लाह की कुदरत देख के इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। इंसान देखता है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है जिसमें हम रह रहे हैं, और हमें इन सब नेमतों का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए, और हमें अपनी सेहत का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में चलता फिरता रखा हुआ है। तो जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, तो वी शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल फॉर दैट। और जो बाहर जब आप निकलते हैं तो अपने बच्चों के साथ जब टाइम गुजारते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो आपको आप खुश, अब जब आप बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं तो दे फील हैप्पीनेस इन दैट, वो उसमें खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके बच्चों की फिज़िकल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप ज़रूर घरों से बाहर निकलें, अपने बच्चों को बाहर लेके आएं, उनको बताएं, उनको एहसास दिलाएं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, आपके इर्द गिर्द जो माहौल है वो कितना खूबसूरत है,
और आप अपना किरदार इस माहौल को साफ़ सुथरा रखने में और इस नेचर को, इसकी ब्यूटी को बरकरार रखने में क्या अदा कर सकते हैं? बच्चों को बताएं कि हमने अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना है। अगर हमारे पास पार्क्स हैं तो उन पार्क्स को साफ़ रखना है, और अगर वो स्विंग्स लेते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे पार्क्स में आएंगे, वो झूले लेंगे, वो झूलों पे एंजॉय करेंगे, ठीक है। उनको बताएं कि झूला लेने का तरीका क्या है। अगर वो स्लाइड ले रहे हैं तो बच्चों को बताएं कि स्लाइड लेने का क्या तरीका है। आपने स्लाइड पे चढ़ के किसी को पुश नहीं करना, आपने किसी को खींचना नहीं है, आपने अपनी टर्न का वेट करना है। क्योंकि अगर आप किसी को पुश एंड पुल करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा बच्चा जो है वो गिरेगा और उसको चोट लगेगी। अब देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये घास के ऊपर मुर्गियाँ हैं। अब ये मुर्गियाँ यहाँ पे किसी स्ट्रीट में ही किसी की हैं, और वो सुबह सुबह इनको बाहर छोड़ देते हैं। और ये देखें, ये खा रही हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रही हैं और ये खा रही हैं, ठीक है। तो ये परिंदे आप देख रहे हैं, आपको परिंदों की आवाज़ आ रही होगी। ये पार्क देखें, इसकी ब्यूटी देखें, कितनी ग्रीनरी है इधर। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम इस ग्रीनरी को एंजॉय करते हैं, ये आँखों को ठंडक देती है, हमारे दिल को ठंडक देती है, ठीक है। तो आप बाहर निकलें, ये देखें, ये दरख्त हैं, ये वो दरख्त हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वो दरख्त हैं जो जिनका सब्ज़ा हमारी आंखों को बहुत ठंडक दे रहा है। ये घास है, इस घास पे अगर आप नंगे पाँव सुबह सुबह अगर चलें तो ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें, नेचर जो है, नेचर ने हमें बहुत चीज़ें दी हैं, लेकिन हमें हम इतने बिज़ी हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, कि हम इस नेचर को इंजॉय नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप सुबह सुबह आपके पास टाइम है, आप अर्ली मॉर्निंग उठें, आप नमाज़ पढ़ें, आप आधा घंटा बाहर निकलें, आप वॉक करें और आप इन परिंदों की चहचहाहट जो है उसको महसूस करें, उसको सुनें, और आप जो सुबह सुबह मौसम में जो खुशगवार मौसम होता है आप उसको एंजॉय करें। अब अच्छा, तो जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बच्चों को इन दरख्तों की अहमियत के बारे में बताएं, उनको गाइड करें कि हमें इन दरख्तों से कौन कौन सी नेमतें मिलती हैं। लाइक हमें फ्रूट मिलता है, हमें सब्जियां मिलती हैं, हम फल और सब्ज़ी दरख्तों से हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं, इसी तरह इन दरख्तों की जड़ों से, इनके तनों से, इनके पत्तों से मुख्तलिफ मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, और इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डिफरेंट एसेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो मेडिसिन्स में यूज़ होता है। तो ये दरख्त, ये पौधे नेचर का एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ये दरख्त और पौधे बनाए हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम ये जो सांस ले रहे हैं ये इन दरख्तों की वजह से है। ये दरख्त माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, और वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वो इन दरख्तों की वजह से है। तो हमें दरख्तों का ख्याल रखना चाहिए, हमें पौधे लगाने चाहिए और दरख्तों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है, बच्चों को ये सीखने की ज़रूरत है कि माहौल दोस्त हमें कैसे रहना चाहिए, हम कैसे अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, हम नेचर को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, जो नेचर में चीज़ें हैं उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये मुख्तलिफ परिंदे हैं हम इनका ख्याल कैसे रख सकते हैं, ये इन परिंदों को क्या कर सकते हैं, हम इनके लिए पानी, डेफिनेटली हम इनके लिए पानी जगह जगह रख सकते हैं, हम इनके लिए दाना रख सकते हैं जगह जगह, क्योंकि सुबह सुबह ये रिस्क की तलाश में निकलते हैं, ये
भूखे होते हैं, ये अपने छोटे बच्चों के लिए ज़रा ज़रा ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा सा भी ख्याल रखें इनके लिए और इनके लिए दाने का अरेंजमेंट करें, पानी का अरेंजमेंट करें, तो जाहिर सी बात है हम अपना ज़रा सा पार्ट जो है इस दुनिया में वो प्ले कर सकते हैं। हम उनको अल्लाह ने हमें जो रिस्क दिया है या अल्लाह ने हमें जो चीज़ें दी हैं, अगर उसमें से ज़रा सा भी हम इनका ख्याल रखें और इनके लिए हम प्रोवाइड करें, इनके लिए हम अरेंज करें, तो इसका बड़ा सवाब है, इसका बड़ा अजर है। और छोटी छोटी नेकी जो है वो इंसान को बड़ी बड़ी आफतों से महफूज रखती है। और ये सदका है इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए, इंसान के जान और माल के लिए, कि आप अपने इर्द गिर्द जो अल्लाह ताला ने इंसानों के अलावा जो जानवर हैं, परिंदे हैं, तो उनकी ज़िंदगी के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। और अगर आप पार्क में आए हैं और आपको कुछ ट्रैश नज़र आ रहा है जो डस्टबिन में नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको अपने हाथों से उठा लें, ठीक है। और बच्चों को, अपने बच्चों को ये गाइड करें, उन्हें ये तरबियत दें कि सफाई का ख्याल रखें। और अगर आप पार्क्स में कोई ऐसा गन देखते हैं तो आप उसको उठा के डस्टबिन में डालें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जब बाहर निकलें तो बच्चों को, जाहिर सी बात है दिस वीडियो इज़ अबाउट नेचर, नेचर वॉक, तो बच्चों को बताएं, दिखाएं आसमान, उन्हें दिखाएं कि आसमान कितना खूबसूरत है, इस पे बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। इस आसमान पे हमें सूरज दिखाई देता है, उस सूरज की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। उन्हें बताएं कि रात को हम जब आसमान पे चांद और सितारे देखते हैं तो उनकी हमारी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, ठीक है। ये बादल जो हैं, ये बादल हमें बारिश देते हैं, बारिश की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, बारिश के पानी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस आसमान पे उड़ते परिंदों की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, ठीक है। तो नेचर वॉक इज़ ऑल अबाउट नेचर। ज़िंदगी में जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारी आँखों को नज़र आता है, उसके बारे में अपने बच्चों को बताएं। और ये ब्यूटी जो है इसको एंजॉय करें, अर्ली मॉर्निंग परिंदों की चहचहाट को एंजॉय करें, और इस ग्रास को एंजॉय करें, इस सब्ज़ी को एंजॉय करें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इंसान बनाया है। और ये सब अपने बच्चों को बताएं, उन्हें सिखाएं कि कुदरत का हसीन नज़ारा कितना अहम है उनकी ज़िंदगी के लिए। उन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि उनके पास जो कुछ है, बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होता, तो उस चीज़ में खुश रहें जो अल्लाह ने आपको दी है, और उन नेमतों के लिए शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अपने बच्चों को सिखाएं कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है, अल्लाह ताला हमें खुश से खुश होता है, अल्लाह ताला हमें उन नेमतों में बरकत अता करते हैं। तो चाहे वो रिस्क है, चाहे वो माल है, चाहे वो सेहत है, तो ये सब अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, और आप इन नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। और अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। अल्लाह ने अगर आपको सेहतमंद औलाद दी है तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सेहतमंद औलाद होना और उनको, उनके साथ ज़िंदगी को एंजॉय करना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और मुश्किलें हर इंसान के पे आती हैं, बहुत सारी बहुत ऐसे वक्त होते हैं जब इंसान बहुत मायूस होता हो जाता है ज़िंदगी में, लेकिन फिर दोबारा से इंसान उठ खड़ा होता है, इंसान कहता है कि
चलें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा वक्त बदल जाता है। जैसे दिन होता है और रात होती है, तो इसी तरह से वक्त भी बदलता है। तो हर इंसान पे अगर मुश्किल है, आप पे कोई मुश्किल है, तो ज़रूर वो मुश्किल भी हल होगी। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जानता है जिसको हम नहीं जानते। हम कहते हैं कि अल्लाह शहरक से भी करीब है, वो हमारे दिलों के हाल जानता है। तो अपनी मुश्किलों का शिकवा अल्लाह से करें, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें अल्लाह से, और सब्र करें उस चीज़ पे, सब्र करें जो आपके पास है और उसका शुक्र अदा करें, और उस चीज़ पे सब्र करें जो आपके पास नहीं है, उस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि शायद अल्लाह ने आपको किसी और आजमाइश से बचाया हुआ है। जब आप वॉक करने बाहर आते हैं या अपने बच्चों को बाहर लेके आते हैं, तो यू हैव टाइम जो आप सिर्फ ये सोचने में लगाएं, आप ये सोचें कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने ये शॉपर हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं इसको डस्टबिन में डालूंगी ज़रूर। तो आप यहाँ पे जब टाइम गुजारते हैं वॉक करने में, तो अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का नाम लें। अल्लाह के ज़िक्र से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है, तो वो दिल को सुकून देता है। अल्लाह का ज़िक्र इंसान को सुकून देता है, दिलों में नूर पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आज आपको दिखाऊं कि जब हम बाहर निकलते हैं, सुबह सुबह बाहर निकलते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, स्पेशली जो मदर्स हैं वो बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, वो इस नेचर को एंजॉय करें। वो अपनी बिजी लाइफ, घर के काम हैं, अगर वो वर्किंग वुमेन हैं तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं अक्सर। तो जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आप नेचर को एंजॉय करेंगे, देखेंगे कि ये कितना खूबसूरत है सब कुछ, तो यकीनन आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आप खुश होंगे, आप मायूस नहीं होंगे, ठीक है। और जब आप अपने बच्चों को बाहर खेलता हुआ देखेंगे, जब आप अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ देखेंगे, जब आप अपने बच्चों को भागते हुए देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। और अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, अपने बच्चों से बात करें, उनका स्क्रीन टाइम शॉर्ट करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं कि ये सब कुछ जो दुनिया में है ये बहुत बड़ी नेमत है। और उनके बिहेवियर्स को आप इस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आजकल बच्चों में जो एग्रेशन है, बच्चों को ये सिखाएं, उन्हें बताएं कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में कैसे उनकी पर्सनालिटी को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि व्हाट्स एवर यू डू हैव दैट इज़ इनफ फॉर यू। और जो आपके पास नहीं है, इट मीन्स नथिंग टू यू। इफ़ यू फील दैट इज़ गुड फॉर योर चाइल्ड, तो आप वो बच्चे अपने बच्चे के लिए ख़रीदें, ठीक है। और इफ़ यू फील दैट दिस थिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड, तो डेफिनेटली यू कैन से नो टू देम, ठीक है। इट्स ऑल राइट, नो कहना इट्स नॉर्मल, ठीक है। और अपने बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट पर काम करें, उनको इस दुनिया का अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं, आपके पास अल्लाह की सारी नेमतें हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को
उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, और वो चीज़ें ज़िंदगी में जो आपने लेट सीखी हैं, जिनका आपको फील होता है कि शायद हमें ये गाइडेंस पहले मिलनी चाहिए थी, या हमें ये नहीं बताया गया, या हमें ये नहीं कराया गया, तो अगर आप ये फील करते हैं तो वो अपने आप बच्चों को उस एज में सिखाएं जिस एज में आपने वो चीज़ नहीं सीखी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को भी इजी करेंगी, आपके बच्चों की लाइफ को भी इजी करेंगी, उनकी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव साइड जाएं, नेगेटिविटी ख़त्म करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी से दूसरों को नुकसान ना हो। किसी ने अगर आपको आपको मेंटली डिस्टर्ब किया है या हर्ट किया है, तो आप कोशिश करें कि आप उस पर सब्र करें। तो बेशक हम कहते हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो ये सब्र करना ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ के होने पे सब्र करना, किसी चीज़ के ना होने पे सब्र करना, किसी गम के मिलने पे सब्र करना, और ये इंसान को अल्लाह के बड़ा करीब कर देता है। ठीक है, तो खुश रहें, अपने बच्चों को खुश रखें, और अपने बच्चों से प्यार करें, और बच्चों को ये सिखाएं कि वो एक दूसरे से प्यार करें। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की इज्जत करें, उनको ये बताएं कि हमें एक दूसरे से किस तरह से बात करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से किस तरह से मिलना चाहिए, हमें अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, हमें रूड नहीं होना चाहिए, हमें अपनी पर्सनालिटी को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट में ख़ुद को एडजस्ट करें। जिस तरह से का एनवायरनमेंट हमें मिला है, तो हम उसको उसमें एडजस्ट करें, अपनी पर्सनालिटी को एडजस्ट करें। पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना बड़ा ज़रूरी है, ये आपको ज़िंदगी की बड़ी परेशानियों से बचा देता है। अपने आप को उस माहौल की तरह एडजस्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो जो इस तरह का माहौल आपके पास है, आप कोशिश करें आप उसमें जितना पॉजिटिव वे में रह सकते हैं उसमें रहें, और अपने बच्चों को बताएं कि हर चीज़ इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया में नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। तो बस हमें खुश रहना चाहिए, हमें मुतमईन रहना चाहिए, हमें दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, सब अच्छा है। तो बस दिस इज़ इट, और घर से बाहर निकलें, वॉक करें, नेचर को एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, उन्हें बाहर लेके आएं, उनको उनके साथ खुश रहें, और शुक्र अदा करें अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का, अपने माल का, अपने अहबाब का, और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी लाएं, अपने घर में पॉजिटिविटी लाएं, अपने माहौल में पॉजिटिविटी लेके आएं, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें। ठीक है, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और घर से बाहर निकल के रोज़ ज़रूर वॉक करें, और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल है जहाँ पे आप बाहर निकल सकते हैं तो ज़रूर घर से बाहर निकलें, और बस अच्छी ज़िंदगी गुजारें, और बस यही है कि खुश रहें। सो दिस वीडियो वॉज़ अबाउट हाउ वी कैन लिव अ पॉजिटिव लाइफ एंड हाउ वी कैन एंजॉय और नेचर, एक मस्बत ज़िंदगी कैसे गुजारें, और कुदरत ने जो कुछ बनाया है उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स इट।
ठीक है, इंशाल्लाह आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.